ये कहता समरी जो है आपने कंप्लीट करनी है। समरी का मतलब क्या होता है, एक स्टोरी आपको बताई हुई है वो आपको कंप्लीट करनी है, और आप कितने वर्ड्स चूज कर सकते हो, एक या दो। अब हमें क्या कहता, वो कहता कोई भी फिलअप आ जाए, कोई भी फिलअप, हमने पहले उस फिलअप को पूरा ट्रांसलेट करना है कि वो क्या कहानी कह रहे हैं, उसकी समरी समझनी है कि वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे। अब कहता है टू प्रिवेंट देयर, गाइस एक चीज याद रखना, जहां पे टू आ जाए उसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, तो टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू प्रिवेंट देयर, टी एच ई आई आर यूज होता है लिविंग बींग्स के साथ, और टी एच ई आर ई यूज होता है हमारा प्लेस के साथ, ठीक है जी। टू प्रिवेंट देयर डैश, देयर बात हो रही है किसी लिविंग बींग की बात हो रही है, फ्रॉम गेटिंग डर्टी, कि वो चीज गंदी ना हो जाए, वो चीज उनकी साफ रहे। डक्स शुड हैव एक्सेस टू वाटर, कहता है डक्स जो है उनके पास क्या होना चाहिए, पानी की पहुंच होनी चाहिए, कि क्या चीज उनकी गंदी ना हो, साफ रहे। दिस मे बी प्रोवाइडेड बाय बिल्डिंग अ पॉन्ड, ये हो सकता है अगर हम उनको पॉन्ड बना के दे दें। बट डकलिंग्स अंडर डैश ऑफ एज, कहते पर अगर डक्स की एज, सॉरी डकलिंग्स की एज, बच्चों के बच्चों की एज इसके नीचे है, तो शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इट, उनको वहां पे रोकना चाहिए जाने से, बिकॉज ऑफ द डैश ऑफ द वॉटर, क्योंकि पानी का कुछ ये है, ठीक है। हम 7, 8, 9 फिलअप ढूंढते हैं।